नमस्कार आपण समस्तंकु टेक विज्ञान चैनल रे स्वागत। एहि वीडियो रे रुद्राक्ष धारण करिवार विधि ता सहित केउ राशिर लोक केते मुखी रुद्राक्ष धारण करिवा उचित से विषय रे मध्य कहिबी एवं रुद्राक्ष धारण करिले कोन फायदा मिले से विषय रे मध्य एहि वीडियो रे मु आपनकु जणै देबी एवं एहि रुद्राक्ष आपण माने आमठु मध्य नै पारिबे जहाकि आपनकु ओरिजिनल रो रुद्राक्ष ही दिया जिवो जोटा कि लैब टेस्ट होईछि। आपण माने समस्त जानती एहि रुद्राक्ष भगवान शिवंक आखिर लोहरु सृष्टि हेथिला तेणु पुराण रे मान्यता अछि रुद्राक्ष हेउछि शिवंक स्वरूप। जे कोनोसी व्यक्ति जदि एहि रुद्राक्ष धारण करंती ताहाले सही व्यक्ति को स्वयं शिवंक कृपा लाभ होइथाय। जेते मध्य नेगेटिव एनर्जी थाए से सबु दूर होइथाय एवं सबु किछि पॉजिटिव रे बदली जाए। जदि आपण रुद्राक्ष विषय आहुरी अधिक किछि जानिबा पई चाहुथिले आपण कमेंट बॉक्स रे लेखंतु मु आहुरी गुटिए वीडियो अपलोड करिके आपण समस्तंकु रुद्राक्ष विषय जणै देबी। किंतु एबे वर्तमान मु आपणकु कहुछि एही रुद्राक्ष केउ राशिर व्यक्ति केते मुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। प्रथमटा हेउछि मेष राशि। मेष राशिर स्वामी हेउछन्ति मंगल। मेष राशिर व्यक्ति माने तीनिमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। तापर रहिला वृष राशि। वृष राशिर स्वामी हेउछन्ति शुक्र। से माने छमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। मिथुन राशिर स्वामी हेउछन्ति बुध। से व्यक्ति माने चारमुखी पाँचमुखी किंबा तेरमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। कर्कट राशि। कर्कट राशिर स्वामी होउछन्ति चंद्रमा। से माने द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। सिंह राशि। सिंह राशिर स्वामी होउछन्ति सूर्य। से माने बारमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। कन्या राशि। कन्या राशिर स्वामी होउछन्ति बुध। से माने चारिमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। तुला राशि। तुला राशिर स्वामी होउछन्ति शुक्र। से माने छमुखी किंबा सातमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। वृष। वृष राशिर स्वामी होउछन्ति मंगल। से माने तीनमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। धनु। धनु राशिर स्वामी होउछन्ति बृहस्पति। से माने पाँचमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। मकर एवं कुंभ। एही राशिर स्वामी होउछन्ति शनि। से माने सातमुखी किंबा चौदहमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। मीन राशि। मीन राशिर स्वामी होउछन्ति बृहस्पति। से माने पाँचमुखी रुद्राक्ष धारण करिबा उचित। वर्तमान मु आपनकु एही रुद्राक्ष धारण करिवार विधि कहुछि। रुद्राक्ष को आपण शिवरात्रि श्रावण मासर सोमवार किंबा पूर्णिमा जे कोनोसी पूर्णिमा रे आपण एहा धारण करि पारिबे। किंतु रुद्राक्ष को केबे हेले मध्य डायरेक्टली धारण करिवा उचित नुहे। तो आपण माने केमिति एहा धारण करिवे सेइटा सुनंतु। देखंतु पूर्णिमा अछि बाकी 7 दिन आपण कोन करिवे ताहेले सही रुद्राक्ष को आपण सोरिष तेल रे पकेकी रखि दैथिबे। जे दिन पूर्णिमा हबो से दिन ठीक 7 दिन हबो आपण सही तेल रु रुद्राक्ष काढ़ी देबे। एबे मु आपण को कहूछि एहार पूजा विधि। सर्वप्रथमे पंचामृत रे अभिषेक करिवे सही रुद्राक्ष को। तापर गंगा जल रे अभिषेक करिवे। तापर यज्ञ भस्म किंबा चंदन रो छिटा देबे। तापर धूप दीप इत्यादि आपण प्रदान करिवे। जदि आपणक गाँवें शिव मंदिर अच्छी से ही रुद्राक्ष को आपण नहींक जी एवं शिवलिंग में आपण से ही रुद्राक्ष को छुएबे। तापर आपण को गोटे मंत्र प्रयोग करने को पड़ो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आउ थरे मो मंत्र को रिपीट करदे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आपण यह मंत्र को प्रयोग करिवे कम से कम 7 थर किंबा 21 थर किंबा 108 थर प्रयोग करि पारंती। तापर आपण एही रुद्राक्ष को आपण धारण करिले आपणकर जत्ते मध्य नकारात्मक शक्ति अछि से सबु दूरै जीव एवं सकारात्मक शक्ति सृष्टि हेबो। ता सहित रुद्राक्ष धारण करिले आमर अनेक रोग मध्य दूर होइथाय। जदि आपणकु एही रुद्राक्ष दरकार अछि ताहले आपण आमठु नै पारिबे। डिस्क्रिप्शन रे मोबाइल नंबर अछि सही नंबर को कॉल करंतु। यहार दाम 375 टंका मात्र। आपण दुईमुखी रु छमुखी रुद्राक्ष आमठारे पाई पारिबे। जल्दी आपण मान डिस्क्रिप्शन चेक करंतु एवं आपणकु दरकार अछि एही रुद्राक्ष ताहले आमठु नियंतु। एहा बाय पोस्ट माध्यम रे आपणकु घरकु पहुँचि जीव। किंतु सबुठारु इम्पोर्टेंट कथा हला जो माने रुद्राक्ष धारण करिथांती से माने मद माछ मांस इत्यादि ठू दूरे रहिबाकु पड़िबो।